डियर स्टूडेंट्स इस मॉड्यूल में हम फाइलम कनाइडेरिया की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि क्लास हाइड्रोजो के अंदर क्लासिफिकेशन को कैसे डिस्कस कर सकते हैं कनाइडेरियस इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स क्या हैं हाइड्रा जेलीफिश सी एनिमोन कोरल्स ये इंपॉर्टेंट एनिमल्स हैं जो कि क्लास हाइड्रोजो के अंदर इंक्लूडेड हैं इनके अंदर सिमेट्री रेडियल भी हो सकती है बाई रेडियल भी हो सकती है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है पॉलिप प्रेजेंट हैं मेडूसा प्रेजेंट हैं पॉलिप जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में है एंड दे आर अटैच टू द बेस ऑफ द सबस्ट्रेटम मेडूसा जो है पुलटेंड है इनमें माउथ जो है दैट इज़ यूजुअली प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड एंड दे मूव फ्रीली गेस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मौजूद है और इसके अंदर 9000 थाउजेंड स्पीशीज जो है, they are usually described. Three major classes हैं दे आर यूजली डिस्क्राइब्ड थ्री मेजर क्लासेस हैं हाइड्रोजवाइफोजवा एंथोजआ हाइड्रोजो में हाइड्रा एग्जाम्पल है साइफोजवा में जेलीफिश एग्जाम्पल है एंथोजवा में सी एनीमोन और कोरल ये इंक्लूडेड है क्लास हाइड्रोजवा हाइड्रोजवा क्या होंगे दीज आर स्मॉल रेलिटिवली कॉमन नाइडेरियंस इन में ज़्यादातर जो हैं दे आर मेरीन और इसके अंदर सिर्फ एक ऐसी क्लास सब क्लास भी है जिसके रिप्रेजेंटेटिव्स हमें फ्रेश वाटर में मिलेंगे ज़्यादातर हाइड्रोजोन्स जो हैं इनके अंदर लाइफ साइकिल दोनों तरह का होगा सेक्सुअल और एसेक्शुअल रिप्रोडक्टिव अब इसके थ्री फीचर्स हैं जो इसको दूसरे क्राइडेरियन से डिफर करते हैं वो क्या क्या हैं? कि इसमें निमेटोसिस जो हैं दे आर ओनली इन द एपिडर्मस गैमीट्स जो हैं दे आर एपिडर्मल एंड दे आर रिलीज आउटसाइड द बॉडी और मिजोगलिया के अंदर अमीबॉयड सेल्स जो हैं दे आर नॉर्मली नॉट प्रजेंट फिर मोस्टली जो हाइड्रोजोन्स हैं इनके अंदर कॉलोनियल पॉलिप्स मौजूद हैं फीडिंग पर्पस के लिए मेडूसा हैं बर्डिंग के लिए जो कॉमन एग्जाम्पल है वो है इसकी ओबीलिया ओबिलिया जो है ये एक कॉमन मेरीन एनिमल है और इसमें प्लैनुला लार्वा डेवलप होगा प्लैनुला लार्वा जो है दिस डेवलप्स इनटू अ पॉलिप और उसको हम कहेंगे गैस्ट्रोजुट यहाँ पे आप इसकी ओबिलिया इम्पॉर्टेंट एनिमल इसका लाइफ साइकिल जो है वो आप देख सकते हैं अब ये आप देखें ओबिलिया के अंदर गैस्ट्रोजुट्स मौजूद हैं इसके अंदर जो है मडूसा की बर्ड मौजूद है गोनो जुर्ट्स मौजूद हैं जिससे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनेंगे मेडूसा मैजूद है अब यहाँ पर आप, आप देखें कि मेडूसा एक सेपरेट हो गया अब मेडूसा हमने यही कहा है कि ये सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करेंगे यानी एग और स्पम एग और स्पम के मिलने से जाइगोट बनेगा जयगोड में डेवलपमेंट होगी ब्लास्टोला बनेगा ब्लास्टोला के बाद स्विमिंग प्लेनोला बनेगा प्लेनोला जो है ये एक स्विमिंग होगा बट आफ्टर टाइम इट विल सेटल एंड वो जब ये सेटल कर जाएगा, अपने आप को किसी सबस्टेटम के साथ अटैच करेगा उसको हम कहेंगे सेसाइल प्लानुला, अब सेसाइल प्लानुला से आप देखें एसेक्शुअल बर्डिंग के थ्रू कॉलोनी की फार्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ गैस्ट्रोजुड्स की डेवलपमेंट हुई एंड अल्टीमेटली दिस इज कन्वर्टेड इन टू एन अडल्ट ओबिलिया हैविंग गैस्ट्रोजुड्स पॉलेप मेडोसा अब गेस्ट्रोसुइड्स के अंदर अगर आप डायग्राम आप देखें तो इसके अंदर टेंटेकल्स मौजूद होंगे टेंटेकल्स का वही फंक्शन है कि ये फूड पार्टिकल्स को कैप्चर करेंगे और इसके अंदर नेक्स्ट जो हैं वो हॉरिजॉन्टली सबस्टेटम भी मौजूद है जिसके साथ ये अपने आप को अटैच करेंगे अब नेक्स्ट इसकी कॉलोनी की डेवलपमेंट है कॉलोनी uh, की प्रोसेस डेवलपमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूल है और इसके अंदर एक और बॉडी लेयर बनेगी जिसको हम कहेंगे पेरीसार्क गैस्ट्रोजोइड्स जो हैं वो कॉलोनी के अंदर कॉमन हैं और ओबिलिया की कॉलोनी जो है वो डेवलप करेगी गोनोजुइड्स जो है इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव पॉलिप दैट प्रोड्यूस मेडूसा बाय बर्डिंग ओबिलिया ओबिलिया के अंदर मेडूसा नॉर्मली दे आर स्मॉल इन द फॉर्म ऑफ ए स्टेक लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द गोनोजोइड्स मेडूसा मेच्योर होंगे दे ब्रेक फ्री ऑफ स्टॉक और ये उसके बाद अल्टीमेटली दे विल स्टार्ट स्विमिंग और मेडूसा रिप्रोड्यूस करेंगे इन टू दी कॉलोनीज ऑफ दी पॉलिप्स फिर है एक अनदर एनिमल ओबिलिया के अलावा उसको हम कहेंगे गोनीोनीमस गोनियोनीमस जो है ये भी एक हाइड्रोजोन है इसके अंदर मेडूसा की स्टेज जो है दैट नॉर्मली प्रीडोमिनेट्स ये शैलो मेरीन वाटर में रहेगा यहाँ पे ये यह सी वीड्स के साथ अपने आप को अटैच कर लेगा और इसकी बायोलॉजी जो है दैट इज़ यूजुअली रिवॉल्विंग अराउंड द मोस्ट हाइड्रोजोन मडोसा यहाँ पे आप गोनीोनीमस मेडोसा का स्ट्रक्चर देखें मेनोब्रियम uh, टॉप पे है रिंग कैनाल मौजूद है टेंटिकल्स डाउनवर्ड हैं वेलम क्लियर है ओवरी है रेडियल कैनाल है और यहाँ पे इसके प्रेजेंट हैं एडहेसिव पैड्स जिनकी हेल्प से ये अपने आप को किसी भी सब्सट्रेटम के साथ अटैच करता है अब ये इसके मार्जन्स जो हैं गोनियोनिमस के मेडूसा के दे यूजली प्रोजेक्ट इनवर्ड और टू फॉर्म आ शेल्फ लिप इसको हम क्या कहेंगे विलम विलम एक पर्दे की तरह का स्ट्रक्चर है और ये मोस्टली हाइड्रोजोनस के अंदर मौजूद है आ, लेकिन ये नाइडेरिया की बाकी क्लासेस के अंदर ये वाला फीचर्स प्रेजेंट नहीं होगा तो विलम यूजली कंसनट्रेट्स वाटर एक्सपेल्ड फ्राम दी बिनेटा द मेडोसा टू अ स्मॉलर आउटलेट और उससे जो ये सिस्टम वाटर का क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं जेट प्रोपल्शन सिस्टम कि जिस तरह से एक दम से वाटर एंटर हुआ और एक दम से वाटर जो है वो इजेक्ट हो गया जब वाटर इजेक्ट होगा उससे एनिमल जो है एक साइड से अगली साइड तक उसकी मूवमेंट शो होगी अब माउथ जो है इसको हमने मैं मैं कहा यह भी मेडूसा की ओरल सरफेस से इट इज़ हैंगिंग डाउनवर्ड इसकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है यहाँ पे फोर रेडियल कैनाल्स प्रेजेंट हैं और रेडियल कैनाल जो हैं ये मेडूसा के मार्जन तक एक्सटेंड किए हुए हैं फिर इसके अंदर एक रिंग कैनाल मौजूद है इसके अलावा इसके अंदर नर्वस सिस्टम की अपेरेंस भी स्टार्ट होगी और वो नर्वस सिस्टम किस फॉर्म में है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए नेटवर्क ऑफ नर्व्स और उसको हम कहेंगे नर्व रिंग यह नर्व रिंग जो है ये एनिमल्स की स्विमिंग के दौरान मूवमेंट्स जो हैं उसको कोऑर्डिनेट करेगी इसके अलावा इसके अंदर जो है एक सेंसरी स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं स्टैटोसिस अब स्टेटोसिस के अंदर क्या क्या है एक स्मॉल सैक मौजूद है और ये सैक जो है दिस इज नॉर्मली सराउंडिंग द कैल्शियम कार्बोनेट कंसनट्रेशन और ये उसको मूवमेंट में हेल्प करेगी दिस नॉर्मली आल्सो इनिशिएट द नर्व इंपल्स अब नर्व इम्पल्स के फंक्शन का भी आपको पता है कि एक जगह से बॉडी के मैसेज लेके अगली जगह तक कन्वे करना तो हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रुप से नॉर्मली देर इज़ बिगिनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम और एनिमल्स के अंदर कोऑर्डिनेशन के प्रोसेस का भी आगाज हो चुका है फिर इसके गोनेड्स हैं इसके अंदर गोनियोनिमस डायोशियस हैं गेमिट्स जो हैं दे विल बी इजेक्टेड आउटसाइड द बॉडी जो कि मोस्टली जो है वो सी वाटर है पहले उन्होंने लारवा डिवेलप करेगा पॉलिप बनेंगे मेडोसा बनेगा और अनदर एग्जाम्पल जो है क्लास हाइड्रोजो में है वो है हाइड्रा की अभी तक हमने ओबीलिया और गोनियोनिमस के बारे में पढ़ा वो मेरीन थे हाइड्रा जो है ये एक फ्रेश वाटर हाइड्रोजोन है हाइड्रा के अंदर मैडूसा स्टेज मौजूद नहीं है और ये नॉर्मली एसेक्शुअली रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के थ्रू और हाइड्रा में नॉर्मली सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पॉलिप स्टेज से होती है फिर इसके अंदर टेस्टिस जो हैं दे आर कोलोनियल इन शेप इंटरस्टिशियस सेल्स मौजूद हैं और इसके अंदर स्पर्म्स बनेंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ मायोसिस मियोसिस ओवरीज हैं और इसके अंदर एग फॉर्मेशन होगी और प्रोसेस सेक्शुअल ए सेक्शुअल दोनों रिप्रोडक्शन के प्रोसेस जो हैं दे नॉर्मली आल्टरनेट फिर इसमें एम्ब्रियो डेवलप करेगा एम्ब्रियो जो है नॉर्मली ओवर विंटर इट कैन स्टे टिल द टाइम कंडीशन आर फेवरेबल फिर स्प्रिंग के अंदर इसकी हेचिंग होगी एंड इट डेवलप्स इनटू अ न्यू एडल्ट और लार्ज ओशियोनिक हाइड्रोजोन्स जो हैं दे बिलोंग टू ऑर्डर साइफोफोरा साइफोफोरा की कॉलोनीज जो हैं पॉलिप और मेडुसा की शक्ल में काफ़ी वाटर सरफेस के ऊपर हमें एडहेसिबल या हमें स्कैटर्ड फॉर्म में नज़र आती हैं कुछ पॉलिप्स जो हैं उसके और भी मुख्तलिफ शेप्स हैं कुछ को हम डकटाइलोजुड्स कह देंगे डेक्टाइलोजुड्स जो हैं इसके साथ टेंटिकल्स मौजूद हैं और ये टेंटिकल्स जो हैं दे विल नॉर्मली कैप्चर प्रे तो ये इसके अंदर क्लास हाइड्रोज़ोआ में आपने देखा कि वही टेंटिकल्स इसके अंदर मौजूद हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है नर्व नेट है, है लेकिन इसके अंदर ये लिटिल बिट एडवांस्ड फॉर्म के अंदर आहिस्ता ऐसा सिस्टम्स जो हैं दे आर नाउ गोइंग टू बी स्टार्टेड